हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैफ क्रिएशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की फोटो को मैंने एडिट किया हुआ है। तो आप भी अपनी फोटो को अगर इस टाइप से एडिट करना चाहते हैं 2 से 3 स्टेप्स के अंदर, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसी वीडियोज़ को आगे देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपका पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ से मैं फटाफट से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और ऑल फोटोज़ पर चले जाना है। ऑल फोटोज़ पर जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ से अपना जो बैकग्राउंड है उसे ओपन कर लेना है। तो इसकी डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड। उसके बाद दोस्तों, आपको ड्रॉ टूल में जाना है और ड्रॉ टूल में जाने के बाद ये लेयर पैनल पर जाना है। यहाँ से एम्प्टी लेयर को सेलेक्ट करके हमारा जो मॉडल है उसको यहाँ से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, हमारा मॉडल यहाँ पर आ चुका है। अब इसको यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों, हमने मॉडल को फिक्स कर लिया है। आप साइड में कहीं भी टैप कर देंगे। उसके बाद लेयर पैनल पर जाएंगे और जो ये हमारी मॉडल वाली लेयर है उसको हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से हमने कर लिया इस मॉडल को कॉपी। उसके बाद एक और एम्प्टी लेयर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, इस जो एम्प्टी लेयर है उसको हम ब्लैक कलर से अच्छे से फिल कर देंगे। यहाँ से मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, हमारा ये ब्लैक कलर हो चुका है। दोस्तों, ये काम हम इसलिए कर रहे हैं मॉडल की शेडो बनाने के लिए, ताकि हमारी फ़ोटो जो है फेक ना लगे। तो फिर अब इसके बाद ये जो ब्लैक कलर की लेयर है इसको हम यहाँ से नीचे कर देंगे सेकंड नंबर पर, और ये जो फर्स्ट वाली है लेयर को सेलेक्ट करेंगे 3 डॉट पर। नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारी शेडो टाइप आ चुकी है। अब आपको इन दोनों को यहाँ से मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद जो ये ब्लैक वाली लेयर है इसको हम यहाँ से नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद दोस्तों, इसको यहाँ से हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमारा ये मॉडल है उसके नीचे हमें वो ब्लैक वाली जो लेयर है उसको ऐड करना है। तो कुछ इस टाइप से करना है, आप देख लीजिए। कुछ इस टाइप से होने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ से इसे नीचे ला कर पैरों के पास एडजस्ट करना है। जिस टाइप से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से इसे डन कर देंगे, और डन करने के बाद जो है इसकी ऑपेसिटी को हम थोड़ा कम कर देंगे, 30 के आसपास रहने देंगे। उसके बाद लेयर पैनल को क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी शेडो बन चुकी है। अब ये फेक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ, मॉडल सच में यहाँ पर बैठा हुआ है। उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों, अब इस फोटो को हम यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन करेंगे और अच्छे से उसे रिटच करेंगे। तो मैंने लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ से ऐड फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे और जो हमारी फोटो है उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड कर लेंगे। ऑल फोटोज पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फोटो ऐड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस फोटो को यहाँ से ओपन करना है। मैं सिंपली 2-3 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप आराम से रिटच कर पाएंगे अपनी फ़ोटो को। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, जो ऑटो का इस बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर लेना है। तो ऑटो पर क्लिक करने के बाद जो है ये जो एप्लीकेशन है अपने आप ही समझ जाती है इस फोटो में कहाँ ब्राइटनेस की कमी है, ल्यूमिनेंस की कमी है, जो भी है वो अपने आप एडजस्ट कर लेती है। तो आप देख सकते हैं हल्का सा इन्होंने एडजस्ट कर लिया। तो अब आपको थोड़ा बहुत अपने से एडिट करना है। तो उसके बाद आपको कलर के ऑप्शन पर चले जाना है और मिक्स के ऊपर जाना है और रेड कलर को सेलेक्ट करना है, और इसकी सेचुरेशन को थोड़ा कम करेंगे फेस को थोड़ा ब्राइट करने के लिए, और ल्यूमिनेंस को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि मॉडल हमारा गोरा लगे, थोड़ा चिकना लगे। उसके बाद ऑरेंज कलर पर जाएंगे और उसके भी साथ यही करेंगे, सेचुरेशन को कम करेंगे और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो देखिए दोस्तों, फेस कितना ब्राइट हो चुका है।
उसके बाद आपको ये जो लाइट ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है। उसकी सेचुरेशन को आप बढ़ा कर देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद डार्क ब्लू कलर पर जाएंगे और इसकी भी सेचुरेशन को थोड़ा सा कम करेंगे और ह्यू को इसके थोड़ा सा इसको भी कम करेंगे ताकि बैकग्राउंड से मैच हो जाए इसके कपड़े, जो ब्लू कलर की इसकी जैकेट है। तो यहाँ पर मुझे परफेक्ट लग रहा है, तो उसके बाद डन कर देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा काम तो लगभग हो चुका है, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो दोस्तों देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है। दो तीन स्टेप्स फॉलो करना पड़ा हमें, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी लाइटरूम के अंदर। तो आप भी कुछ इस टाइप से अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट।